बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने मिस एंड मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें 50 किलो से लेकर 95 किलो के वजन की कैटेगरी में कठिन प्रतियोगिता को पार करते हुए प्रतिभागी विजेता बने। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन राजू चंदेल ने इस मौके पर सम्मानित किया और कहा कि बॉडी बिल्डर हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य हैं। सेहतमंद बच्चे बॉडी बिल्डर ज्यादा से ज्यादा इसराइल की तर्ज पर भारतीय सेना में भर्ती हो, तभी सेना अत्यधिक मजबूत होगी। सर, इस प्रोग्राम के लिए कि मैं कहना चाहूँगा, कोविड के बाद फिटनेस की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, बहुत खस्ता हालत से फिटनेस गुजरी है। खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए, स्पोर्ट्स की तरफ उन्हें जोड़ने के लिए हम लगातार पिछले 5 सालों से ये चैंपियनशिप करा रहे हैं, मगर 2 साल बहुत बुरे इस इंडस्ट्री बीते हैं, उसका हमें भी दुख है, मगर धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री पटरी पर लौट रही है। उसमें हमारे चेयरमैन साहब राव चंदेल जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो समय समय पे हमें मोटिवेट कर दें। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के बच्चे तरक्की कर रहे हैं और बहुत मतलब बेनिफिट मिल रहा है इनको, हमारी सरकार की तरफ से भी और वैसे भी, क्योंकि कोविड में हम काफी पीछे हो चुके थे, फिर भी उस टाइम भी कोविड की उसके बाद में जैसे लोग फ्री हुए तो साइकिलिंग करने लग गए, सारा कुछ किया, अपनी बॉडी का ध्यान रखने लगे, तो हमारे देश से ये बीमारी बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म होगी। और हमारे मोदी सरकार ने देखो कितनी अच्छी तरह 100 करोड़ का मतलब वो धन कर दिया, मतलब वैक्सीन सब पूरी हो गई है। हम लोग एक प्रयासरत थे, जो 1.5-2 साल कोरोना काल का बीता है, इसमें हमारे काफ़ी हद तक जिम चलाने वाले ट्रेनर हैं, संचालक हैं, वो काफ़ी जो फाइनेंशियली वीक हुए और बच्चों की सेहत पे बुरा असर पड़ा, तो इस पहली बार इस कोरोना काल से निकलते हुए मिस्टर एशिया सबसे बड़ा जो शो ऑर्गेनाइज बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट एसोसिएशन करने जा रही है।